नमस्कार, मैं प्रिया धराधरती, इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रूस यूक्रेन के बीच अब युद्ध की लगभग शुरुआत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों में हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन के कीव, खारकीव समेत 4 शहरों पर मिसाइल से निशाना साधते हुए देखा गया। बता दें कि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन में हमले के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत में करीब 5% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा की है। यूके ने कहा है कि पुतिन ने रक्तपात और विनाश का रास्ता चुना है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ निर्णायक कार्रवाई करेंगे क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। उन्होंने इस दौरान वादा किया था कि पश्चिम खड़ा नहीं होगा क्योंकि पुतिन ने यूक्रेनी लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। बिहार में विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहा है। इस बीच श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल से रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इस दौरान कोरोना काल में रोजगार मांगने वालों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली। इस साल जनवरी तक सबसे अधिक लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें सबसे अधिक 2021-22 से में 2,67,635 बेरोजगारों ने रोजगार की मांग की है। कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश के अनुसार कक्षाओं में हिजाब पहनने से संबंधित विवाद के बीच एक सिख यानी अमृतधारी लड़की को प्रतिष्ठित माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज में अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। कॉलेज के कुछ अभिभावकों ने भी अपनी बेटियों को हिजाब हटाने के लिए कहने के बाद निशाना बनाए जाने की शिकायत की है। अधिकारी अब गुरुवार को घटनाओं पर नजर रख रहे हैं क्योंकि संवेदनशील मुद्दा राज्य की राजधानी के साथ साथ अन्य कॉलेज में भी फैल सकता है। महिला क्रिकेट टीम ने जॉन डेविस ओवल क्वींसटाउन में खेले गए आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 251 रन बनाए थे, जिसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 4 ओवर पहले ही केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रखे जाने पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एंडरसन ने टीम से बाहर किए जाने की सूचना देने वाले फोन कॉल को याद करते हुए कहा कि वो बहुत ही चौंकाने वाला और निराशाजनक कॉल था। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ हफ्ते बेहद बुरे रहे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये उनके करियर का अंत नहीं है। बीबीसी टेल एंडर पॉडकास्ट पर एंडरसन ने ये बातें कही हैं। यूक्रेन में केरल के 2,320 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूक्रेन संकट को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को हस्तक्षेप करने और यूक्रेन में राज्य के 2,320 छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए पत्र लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के कई अन्य मंत्रियों ने बृहस्पतिवार को धरना दिया। राज्य सचिवालय मंत्रालय के नजदीक लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना स्थल पर सबसे पहले अजीत पवार ही पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह पस्त हो गया है। वहीं सोयाबीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही सप्लाई पर भी असर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस हालात की कीमत योग गुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया के निवेशकों को चुकानी पड़ रही है। भारतीय नौसेना को अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी बोइंग से बुधवार को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान लिया गया है। बोइंग ने आज अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि यह 2016 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ हुए अनुबंध के तहत वितरित किए गए 4 अतिरिक्त विमानों में से 4th विमान है। BSNL में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने पंजाब सर्किल में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के 24 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले निगम की तरफ से नाराज कर्मचारियों को मनाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बाद अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी अपने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 31 मार्च 2009 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का किए जाने का फैसला किया गया है। राजधानी दिल्ली में शादियों के सीजन के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दरअसल दिल्ली में अब घोड़ा घोड़ी और घोड़ा बग्गी के लिए भी अन्य वाहनों की तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से इसको लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत किसी भी समारोह या कार्यक्रम में घोड़ा बग्गी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके मालिक को इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ही होगा।
मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूतावास कार्यालय में फोन कर कथित तौर पर धमकी वाले 38 वर्षीय एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी मानसिक रोगी है। आरोपी ने कई अन्य देश के राजनयिकों के कार्यालय में भी फोन किया था, क्योंकि उसे कुछ देश ने उसे वीजा देने से इनकार कर दिया था। FSSAI में जॉब पाने का शानदार मौका है। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एनालिस्ट के पद पर भर्ती निकाली है। ऐसे में जो भी और अच्छे उम्मीदवार हैं वो 10 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। यूक्रेन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट आज सुबह दिल्ली वापस लौट आई है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे जा रहे हैं। उन्हें अब पासपोर्ट और अन्य जरूरी सामान साथ लेने की सलाह दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के कुछ घंटे बाद राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू कर दी है। रूस द्वारा गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य हमला शुरू होते ही ट्विटर ने कई शोधकर्ताओं के खाते को ब्लॉक कर दिया है। दुनिया भर में कई लोगों के अपना अकाउंट ब्लॉक होने की जानकारी साझा की है। इस बीच ट्विटर ने स्वीकार किया है कि गलती की वजह से रूसी सैन्य गतिविधि के बारे में विवरण साझा करने वाले कई खातों को हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि भाजपा की सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सैर कराने की बात करती है, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज से लेकर हवाई अड्डे और बंदरगाह तक बेच दिए। शहर से 30 किलोमीटर दूर इंडिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के मुनाफे वाली परिसंपत्तियां भी बेच रही है, ताकि उसे लोगों को न आरक्षण देना पड़े और न ही नौकरी देनी पड़े। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के ऐलान के बीच भारत समेत दुनिया भर में तेल के साथ साथ गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका काफी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में भी जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर भी गैस की किल्लत होने से CNG, PNG और बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ICC T20 रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर पहुंचने के लिए भारत की बेंच स्ट्रेंथ को श्रेय दिया है। विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी चोटों के कारण या अन्य कार्यभार का प्रबंधन करने के लिए हालिया सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर और युवा रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी ने जीत दिलाई थी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन दिनों फर्जी विज्ञापन करने वाले लोगों से परेशान हैं। इन दिनों उनकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें वो किसान का विज्ञापन करते नजर आ रहे हैं। सचिन ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं किया और ये विज्ञापन फर्जी है। उनकी टीम ये विज्ञापन बनाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। भारत के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक आए दिन अपने खाताधारकों के लिए नई नई चेतावनी जारी करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपका अकाउंट भी SBI में है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने जा रही है। SBI ने अपने खाताधारकों से पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की सलाह दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक से जुड़ी कई सेवाओं को काटा जा सकता है। कृषि क्षेत्र के लिए सेवा के रूप में ड्रोन नाम से एक पहल शुरू की गई है। 6 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के छिड़काव के लिए अत्याधुनिक तकनीक की मदद मिल सकेगी। ड्रोन विनिर्माण से जुड़े स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपनी किसान ड्रोन पहल के तहत 2025 तक 6 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा था, जिससे 6 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार तड़के यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की है। रूसी सेना ने गुरुवार को ओडेसा के यूक्रेन काला सागर बंदरगाह और डोनेट्स्क के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र मारी यूपोल सहित कई यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। रूसी सरकारी टेलीविजन पर पुतिन की घोषणा के तुरंत बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी गई। फिर विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबे ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है और हथियारों के हमलों के साथ शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस अभियान का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभियान के एक पोस्टर गर्ल तो खुद भाजपा में आ रही है। कांग्रेस ने महिलाओं के नाम पर कांग्रेस नेताओं की पत्नियों को टिकट दे दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बसपा मुखिया मायावती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कभी आतंकवाद तो कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से बना तनाव का माहौल आखिरकार गुरुवार को युद्ध में बदल गया। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। इसके बीच यूक्रेन में सभी लोग घबराए हुए हैं। भारतीय छात्रों की आज भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास देखने को मिली।
फ्री इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। ये ट्रिक सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल यूजर के लिए है, ये ट्रिक सिर्फ एयरटेल सिम के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें जो हम प्रॉक्सी यूज करेंगे वो सिर्फ एयरटेल यूजर के लिए ही हमेशा ये ट्रिक जीरो बैलेंस पे यूज कर सकते हैं। आप ये ट्रिक बैलेंस पे यूज भी करते हैं तो आपका बैलेंस कट जाएगा, ये बात ध्यान में जरूर रखें। 3G या 4G नेट चलाने के लिए फोन में ये सर्विसेज एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर 2G नेटवर्क शो करेगा तो ये ट्रिक 2G स्पीड देगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमा शंकर जायसवाल, शंकर मुखिया, विशाल कुमार जायसवाल, विशाल कुमार, विकास कुमार, श्वेता कुमारी, नुन्नू कुमार, परवेज आलम, अविनाश राज, संजय गुप्ता, कन्हैया सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।